काया पलट हो जाए कि मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं पहले मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, मैं 21 मार्च 2020 के खत लिखा था, एक नया राजमार्ग, नया नेशनल हाईवे बोंगाईगांव जिला के कवाईटारी से बरपेटा जिला के गरोईमारी दौलोसाल तक, जहाँ ये ताराकांदी आपके मोइनबुड़ी बड़ोतला मोंदिया बहरीवाल कनेक्ट होगा, इससे 40 किलोमीटर रास्ता शॉर्ट होगा, रिड्यूस होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, गडकरी जी से आग्रह करता हूँ, ये नया राजमार्ग बने। जो आसाम के स्टेट हाईवे नंबर टू के एक पर्सन कलिता कुशी बोरपेटा हौली पर्सन ऑलरेडी नेशनल हाईवे घोषित किया, जो दूसरे पर्सन बोरपेटा से जनिया लेंकेसिंगा नॉर्थ सालमारा बोंगाईगांव, ये पर्सन भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये आसाम में एक MMLP हो रहा है, ये 2020 में मंत्री जी ने भारसुअल शिलान्यास किया था और ये 2022 के अप्रैल महीना के अंदर इसका काम खत्म होने का कंप्लीट होने का बात था, लेकिन अभी तक पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 किसी भी पैकेज में 50% से ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा ये काम जल्द समाप्त हो और वहां पे जो वो MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जो एयरपोर्ट होने का बात था, ये मंत्री जी का दफ्तर में नहीं आने से भी वो एयरपोर्ट भी जल्द उसका काम शुरू हो, ये भी मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। और जो 2019 में रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोगों का मौत हुआ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाया, लेकिन दुख के बात है, और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा क्षेत्र में बोरपेटा जिला हो बोंगाईगांव जिला हो, वो रोड सेफ्टी का कोई भी मीटिंग नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। और ब्रह्मपुत्र के ऊपर और एक ब्रिज चाहिए, और बहोरी जहाँ श्री श्री दामोदर देव के सत्र है, बहोरी और कामरूप जिला के सोनतोली का कनेक्ट होना चाहिए, और जलजली नदी के ऊपर नगर में आलोपुत्र एक ब्रिज होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, एक गुजारिश रखता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। थैंक यू सर। मुंदुगा नेनु धन्यवादालु तेलियजेस्तुन्नानु मिनिस्टर गारु।